नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमैरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें दिखाएंगे। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज आपको देखने को मिलेंगी, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज भी। शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। रूसी डिफेंस सिस्टम ने बड़े हमले किए हैं। 24 घंटे में यूक्रेन के 9 Su-27 ध्वस्त कर दिए गए हैं। यूक्रेन का एक MiG-29 जेट भी गिरा दिया गया है। यूक्रेन की 6 स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी ध्वस्त कर दी गई हैं। पंतशीर S-400 डिफेंस सिस्टम से ये हमले किए गए हैं रूस द्वारा। दरअसल क्रीमियाई धरती को यूक्रेनी ब्रिगेड ने एक बार फिर से दहला दिया। मिसाइल हमलों से क्रीमिया के सेवेस्तोपोल इलाके को पाट दिया गया। दावा किया जा रहा है कि हर बार की तरह इस बार भी यूक्रेन ने क्रीमिया पर अटैक के लिए बाइडेन के ब्रह्मास्त्र यानी ATACMS टैक्टिकल मिसाइल और ब्रिटिश मेड स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया। बस फिर क्या, इस हमले से भड़के पुतिन ने यूक्रेनी वायुसेना के एक एयरबेस को ही खाक कर दिया। यूक्रेन के 21 लड़ाकू विमानों को जलाकर राख कर दिया। अब सवाल यह है कि जेलेंस्की के मिसाइल गदर और पुतिन के इस्कंदर क्लस्टर के बाद कैसा था तबाही का मंजर, देखिए इस रिपोर्ट। क्रीमिया में कल फिर से विध्वंस की रात थी, प्रचंड तबाही की रात थी, बारूदी भूचाल और धमाके की रात थी, क्योंकि बीती रात यूक्रेन के बारूदी ताप से क्रीमिया फिर दहल उठा। ब्लैक सी से सटा क्रीमिया का इलाका घातक मिसाइलों के प्रहार से धधक उठा। क्रीमिया फ्रंट से जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक बेहद ही प्रचंड अंदाज में यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल में अब तक के सबसे भीषण हमले को अंजाम दिया। दावा है कि यूक्रेनी ब्रिगेड ने सेवेस्तोपोल पर ताबड़तोड़ मिसाइल प्रहार किया। सेवेस्तोपोल पर करीब 26 ATACMS टैक्टिकल मिसाइलें दागी। ATACMS मिसाइलों से रूसी डिफेंस सिस्टम पर भी अटैक किया। वहीं यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल के बलाक्लावा इलाके पर भी धावा बोला। बलाक्लावा में रूस के मिलिट्री बेस पर स्टॉर्म शैडो से अटैक किया। बीती रात क्रीमिया पर यूक्रेन ने नॉनस्टॉप मिसाइल हमले से खलबली मचा दी। वो भी क्रीमिया में मौजूद रूस के सुरक्षा कवच को तहस नहस करते हुए। लेकिन इस बार क्रीमिया फ्रंट पर रूस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जानते हैं क्या? दरअसल रूसी डिफेंस ने यूक्रेन की 4 ATACMS मिसाइलों को मार गिराया। S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए ATACMS मिसाइलें इंटरसेप्ट की और पहली बार ATACMS के ग्लाइडेड बम को अपने कब्जे में ले लिया। मास्क पहने रूसी कमांडो के हाथ में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नजर आ रही है, दरअसल वही अमेरिकी ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम है, जिसकी मदद से अमेरिकी मिसाइल टारगेट को ट्रेस करती थी, उस पर पिन पॉइंट अटैक को अंजाम देती थी। आशंका जताई जा रही है कि अब रूसी डिफेंस ATACMS मिसाइल के गार्डन सिस्टम की पड़ताल करेगी और रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अमेरिकी मिसाइल को आसमान में इंटरसेप्ट करने की, मार गिराने की तकनीक पर काम करेगी, ताकि ये अमेरिकी ब्रह्मास्त्र क्रीमिया के सुरक्षा घेरे को भेद ना सके।
दरअसल अटैक एम्स मिसाइल क्रीमिया फ्रंट पर यूक्रेन का प्रमुख हथियार है। मेड इन यूएस ये ब्रह्मास्त्र यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। शायद इसीलिए बाइडेन ने अटैक एम्स मिसाइलों की खेप मार्च महीने में ही की भेज दी, ताकि यूक्रेनी सेना इस मिसाइल के इस्तेमाल से प्रचंड तबाही मचा सके, रूस के कोने कोने को दहला सके। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। क्रीमिया में रूस के सुरक्षा कवच को नेस्तनाबूद करने के लिए महाशक्ति अमेरिका ने यूक्रेन को एक ऐसा विनाशक ब्रह्मास्त्र दिया जो क्रीमिया फ्रंट पर ज़ेलेंस्की के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन को एमजीएम 140 एटीएस सीएमएस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल की खेप सौंपी। सुपर पावर अमेरिका का ये टैक्टिकल अस्त्र 300 किलोमीटर के इलाके में जबरदस्त तबाही मचाने की क्षमता रखता है। आपको बता दें कि एटीएस सीएमएस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का कुल वजन 1670 किलो तक है। 13 फीट लंबी ये मिसाइल Mach 3 यानी 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर हमला करती है। इतना ही नहीं, अमेरिकी एटीएस सीएमएस टैक्टिकल मिसाइल जीपीएस और नेविगेशन गाइडेंस से भी लैस होती है, जिसका मतलब लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने में माहिर। जैसे ही यूक्रेन को अटैक एमएस मिसाइलों की खेप मिली, उसने क्रीमिया फ्रंट को दहलाना शुरू कर दिया। बीते 3 महीनों में आधा दर्जन से ज्यादा बड़े हमलों को अंजाम दिया। आखिर कब, कहां, ये भी जान लीजिए। सोलह अप्रैल 2024 यूक्रेन ने क्रीमिया के जानकोई टाउन पर मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों का गोदाम राख हुआ। यूक्रेन ने 12 अटैक एमएस टैक्टिकल मिसाइलों से हमला किया था। 17 अप्रैल 2024 यूक्रेन ने तातारिस्तान इलाके में अटैक एमएस मिसाइलें फायर की। इस अटैक में रूस की न्यूक्लियर बॉम्बर फैक्ट्री तबाह हुई थी। 19 अप्रैल 2024 क्रीमिया के पास यूक्रेन ने रूसी बॉम्बर को आसमान में मार गिराया। दावा है कि Tu-22M बॉम्बर को अटैक एमएस मिसाइल से उड़ाया। 27 अप्रैल 2024 पश्चिमी रूस के बेलगोरोद, कुर्स्क और ब्रियांस्क प्रांत पर हमला। अटैक एमएस के इस हमले में रूसी पॉडलेट K-1 रेडार सिस्टम तबाह। 1 मई 2024 क्रीमिया रूस को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज पर अटैक एमएस का अटैक। 14 अटैक एमएस मिसाइलों से कर्च ब्रिज को उड़ाने की कोशिश हुई। 14 मई 2024 यूक्रेन के सेवस्तोपोल बे पर अटैक एमएस मिसाइलों से हमला। सेवस्तोपोल की खाड़ी में रूसी नौसेना का शिपयार्ड जलकर राख। यूक्रेनी हमले में रूसी नौसेना के 18 से ज्यादा डॉक तबाह हुए। 15 मई 2024 सेवस्तोपोल में मौजूद बेल्बेक एयरफील्ड पर भी यूक्रेन का अटैक। यूक्रेन ने ओडेसा और खेरसोन में अटैक एमएस मिसाइलों को दागा। 25 मई 2024 अजोव सागर के पूर्वी छोर पर मौजूद क्रास्नोदर का कोश्चेवस्किया एयरबेस और रेडार स्टेशन ध्वस्त हुए। क्रीमिया से लेकर पश्चिमी रूस के इलाकों तक अटैक एमएस का बारूदी जलजला देखने को मिला। लेकिन अब ज़ेलेंस्की के इसी गेम चेंजर वेपन की शामत आने वाली है, क्योंकि रूस ने 4 अटैक एमएस को मारकर पहले राउंड में बढ़त बना ली है। जल्द ही रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अटैक एमएस की काट भी रूसी डिफेंस तैयार कर लेगा। एक तरफ यूक्रेन ने क्रीमिया पर अटैक किया, तो उसके जवाब में रूस ने यूक्रेनी वायुसेना के बेस पर हमला करते हुए 21 सुखोई विमानों को जलाकर राख कर दिया। आपको बता दें कि रूसी डिफेंस ने हमले से जुड़ा वीडियो भी जारी किया। अब सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन के आसमानी जंगबाज कहां राख हुए? कैसे रूसी ब्रिगेड ने यूक्रेनी जंगबाजों को पलक झपकते ही तहस नहस कर दिया? ईस्टर्न यूक्रेन के पोल्टोवा प्रांत में मौजूद है यूक्रेनी वायुसेना का मिरहोरोद एयरबेस, जिस पर पुतिन ब्रिगेड ने इस्कंदर मिसाइलों को क्लस्टर म्यूनिशन से लैस कर हमला किया। इस हमले में मिरहोरोद एयरबेस पर खड़े 21 सुखोई विमान जलकर खाक हो गए।
मतलब साफ है कि अब पुतिन क्रीमिया का इंतकाम इसी अंदाज में लेंगे। अब तक यूक्रेनी सेना क्रीमिया फ्रंट पर खुद को ताकतवर समझ रही थी, मगर पुतिन के प्रतिशोध से साफ है कि अगर क्रीमिया पर फिर से चोट हुई तो पुतिन यूक्रेन धरती का वजूद भी मिटा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9, भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सेवर्स में रूस के एफपीवी ड्रोन हमले हुए हैं। यूक्रेनी खंडकों पर ड्रोन से बम वर्षा की गई है। यूक्रेन के असॉल्ट ब्रिगेड के 27 सैनिक मरे हैं। लेबनान से हिजबुल्ला वर्सेस इसराइल की जंग पर खुफिया रिपोर्ट लीक हो चुकी है। जर्मन रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल लेबनान पर हमले की तैयारी पूरी कर चुका है और बहुत जल्द लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन हिजबुल्ला ने संकेत दे दिए हैं कि जंग शुरू हुई तो उसका टारगेट इसराइल के साथ साथ अमेरिका भी होगा। इस जंग के एटमी युद्ध में बदलने का खतरा है, क्योंकि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की रिपोर्ट यह है कि पुतिन ने जंग में एटमी हथियार उतारने की रणनीति तैयार कर ली है। देखिए हिजबुल्ला इसराइल की जंग में कैसे अरब परमाणु खतरे से घिर चुका है। अरब विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है और महाशक्तियों के संग्राम का पहला अखाड़ा बनने की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि इसराइल और हिजबुल्ला की जंग रोकने के डिप्लोमेटिक प्रयास नाकाम हो चुके हैं। दोनों ओर से वार पलटवार जारी है और इन हमलों की रेंज बढ़ती जा रही है। इस युद्ध के महासंग्राम में बदलने की खुफिया रिपोर्ट भी जारी हो चुकी है। जर्मन मीडिया ने डिप्लोमेटिक सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि इसराइल 15 जुलाई तक लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। 15 से ज्यादा देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी है। लुफ्थांसा एयरलाइंस ने बेरूत की सभी उड़ान रद्द कर दी है। इसराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो यह तय है कि जंग पूरे अरब में भड़केगी और इसका टारगेट बनेगा अमेरिका। हिजबुल्ला के प्रवक्ता ने इसका प्रसारण कर दिया। हिजबुल्ला बड़ी जंग के लिए तैयार है और बीते 2 दिन में इसराइल के कई सैन्य बेस पर लगातार हमले किए। हिजबुल्ला को ईरान से लॉन्ग रेंज मिसाइलों की सप्लाई हो चुकी है और उसकी मिसाइलों की रेंज में पूरा इजराइल आता है। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की खुफिया रिपोर्ट लीक होते ही ईरान ने भी इजराइल विनाश का ऐलान कर दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई के विदेश मामलों के सलाहकार कमाल खराजी ने कहा है कि इसराइल हिजबुल्ला पर हमले करने का दुस्साहस न करे। अगर हिजबुल्ला पर हमला हुआ तो ईरान पूरी शक्ति के साथ हमला करेगा। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक अरब में इकलौती परमाणु शक्ति इसराइल है, लेकिन अब अरब में ईरान भी परमाणु शक्ति बनने जा रहा है। एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि रूस ईरान में अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात करने वाला है। इसराइल से युद्ध की आशंका को देखते हुए रूस ने यह फैसला लिया है। सोवियत रूस के विघटन के बाद पहली बार 2023 में बेलारूस की जमीन पर रूस के परमाणु हथियार तैनात किए गए और अब ईरान पहुंचने वाले हैं।
परमाणु हथियार इसीलिए तैनात किए जा रहे हैं क्योंकि इसराइल का लेबनान पर हमला निश्चित है और इसके लिए इजरायली सेना ने 3 चरणों का ऑपरेशन तैयार कर लिया है। सबसे पहले इजरायली वायुसेना लेबनान पर हमले करेगी। इजरायली सेना के फाइटर जेट दक्षिणी लेबनान नबाते बेका, माउंट लेबनान बेरूत, केसरवान जबेल, बालबेक, हेरमल, उत्तरी लेबनान और अक्कर के हिजबुल्ला ठिकानों पर बमबारी करेंगे। 30 जून को इजरायली वायुसेना ने इन ठिकानों की रेकी की थी। बेरूत और आसपास के शहरों पर इजरायली जेट सोनिक बूम विस्फोट करते हुए उड़ान भर रहे थे। इसके साथ ही लेबनान बॉर्डर पर तैनात इसराइल की थल सेना लेबनान पर हमले शुरू कर देगी। लेबनान के बॉर्डर पर इसराइल के 20,000 से ज्यादा सैनिक आर्टलरी और मोर्टार तैनात हैं जो हमले शुरू कर देंगे। इन आर्टलरी मोर्टार और एंटी टैंक मिसाइलों की रेंज 15 से 55 किलोमीटर तक है। एक घंटे में इसराइली सेना 55 किलोमीटर इलाके में बमबारी करेगी। इस एक घंटे का टारगेट दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ज्यादातर ठिकानों को नष्ट करना है। इसराइल की नौसेना भूमध्य सागर से लेबनान पर हमले शुरू करेगी। इसराइली नौसेना लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमले करेगी। इसके साथ ही लेबनान के त्रिपोली पर हमले किए जाएंगे। इसराइली नौसेना को लेबनान के तटीय क्षेत्र पर कब्जा करने का मिशन दिया गया है। जैसे ही इसराइल ये ऑपरेशन शुरू करेगा, इसी के साथ ईरान इसराइल की सीधी जंग शुरू हो जाएगी। ईरान में रूस के परमाणु हथियार तैनात होने वाले हैं। हिजबुल्ला अगर जंग में नहीं टिक पाया तो ईरान परमाणु हमला कर सकता है। सिप्री की रिपोर्ट कहती है कि इसराइल के पास भी 90 परमाणु बम हैं। अगर ईरान ने इसराइल पर परमाणु हमला किया तो अरब में परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा। इसराइल सरकार लेबनान पर हमला करने के बारे में सोच रही है, लेकिन उसके अंजाम भी जानती है। इसीलिए जल्दबाजी में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा रहा है। गाजा की लंबी जंग में इसराइल को परंपरागत युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार बड़े पैमाने पर खर्च करने पड़े। अक्टूबर 2023 से 15 मई 2024 तक इसराइल ने गाजा पर 50,000 से ज्यादा बम गिराए हैं। 8 अक्टूबर 2023 से 15 मई 2024 तक इसराइल ने लेबनान के हिजबुल्ला ठिकानों पर 7,952 हमले किए हैं। इसराइल के पास सैनिकों की कमी है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि 10,000 सैनिकों की तुरंत जरूरत है। यही सारे कारण है जिसकी वजह से इसराइल के ऑपरेशन लेबनान में देरी हो रही है। लेकिन जैसे जैसे देर हो रही है वैसे वैसे नेतन्याहू सरकार पर दबाव पड़ रहा है। इसराइल के विपक्ष का नेतन्याहू पर दबाव है कि वो उत्तरी इसराइल में जल्दी शांति स्थापना करे और इसके लिए लेबनान पर हमले जरूरी है। इसराइल हिजबुल्ला के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है, लेकिन फुल स्केल वॉर छेड़ने से पहले तैयारी में जुटा है क्योंकि लेबनान पर हमला होते ही हूती भी एक्टिव हो जाएगा। हूती ने समंदर में 4 मिसाइल हमले किए हैं। इनके टारगेट अमेरिका, ब्रिटेन और इजरायली मालवाहक जहाज बने हैं। हूती ने अरब सागर में इसराइल का MSC यूनिफिक जहाज ध्वस्त कर दिया। लाल सागर में US का तेल टैंकर डेलोनिक्स मिसाइल हमले का शिकार हुआ, जबकि हिंद महासागर में क्रूज मिसाइल हमला करके ब्रिटेन का कार्गो शिप एनविल पॉइंट नष्ट कर दिया। इसराइल और अमेरिका प्रॉक्सी संकट में घिर चुके हैं। आत्मरक्षा के लिए बड़े हमले जरूरी हैं और बड़े हमले हुए तो अरब के सिर पर परमाणु युद्ध की आशंका मंडरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त
की बड़ी खबर ईस्टर्न फ्रंटलाइन से। ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर यूक्रेनी ड्रोन इंटरसेप्ट हुआ है। रूस ने स्ट्रेला 10 सैम से किए हैं हमले। यूक्रेन के 15 ड्रोन हमले नाकाम करने का दावा किया जा रहा है रूस द्वारा। यूक्रेन को अमेरिका और दूसरे देशों से कई घातक हथियार मिल चुके हैं। रूस पर लगातार बड़े हमले भी हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन कब तक रूस के सामने टिक पाएगा। यूक्रेन को हथियारों का बहुत बड़ा स्टॉक मिलने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यूक्रेन हथियार चलाने वाले सैनिक कैसे जुटाएगा। नेटो की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के मुकाबले यूक्रेन के पास अब बेहद कम सैनिक बचे हैं। रूस की विशाल सेना यूक्रेन में घुस चुकी है, लेकिन रूस के मुकाबले यूक्रेन के पास आधी सेना तक नहीं है। दोनों देशों के बीच सैनिकों की संख्या का बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। मौजूदा दौर की तस्वीरें भले ही एक जोरदार मुकाबले का एहसास कराती हैं, लेकिन सवाल है कि इस युद्ध का भविष्य क्या होने वाला है। चर्चा एक बार फिर यूक्रेन की हार की होने लगी है। वजह है रूस की बेहद ताकतवर सेना। हवा में यूक्रेन के किलर ड्रोन्स और जमीन पर चलते रूसी टैंक। यूक्रेन के मिसाइल और ड्रोन से रूस में हो रहे ये धमाके, रूस के शहरों में तबाही के ये निशान, रूस के सैनिकों पर ये लगातार प्रहार। तस्वीरें भले ही यूक्रेन समर्थकों को मुकाबले में बने रहने की तसल्ली देती है, लेकिन असलियत ज़ेलेंस्की भी जानते हैं और युद्ध में सबसे बड़े मददगार नेटो को भी कड़वी हकीकत की जानकारी है। नेटो की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के एक सैनिक को मारने के लिए रूस ने 10 सैनिकों को तैनात किया है। नेटो के एक टैंक को भस्म करने के लिए 5 टैंक तैनात किए गए हैं। यूक्रेन में मौजूद एक एयर डिफेंस को खत्म करने के लिए 5 मिसाइलों का स्टॉक बनाया गया है। अब यूक्रेन के सामने सबसे बड़ी मुसीबत सैनिकों की कमी है, क्योंकि नेटो यूक्रेन को सिर्फ हथियार देने वाला है, उसे चलाने के लिए ज़ेलेंस्की को एक भारी भरकम फौज की जरूरत पड़ेगी। नेटो की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में हथियारों की खेप का आना शुरू हो गया है। जुलाई में F-16 और दूसरे हथियार भी पहुंच जाएंगे। पैट्रियट के लिए मिसाइलों की सप्लाई भी की जाएगी, लेकिन अब यूक्रेन के हालात देखकर नेटो खुद अपने हथियारों को लेकर फिक्रमंद होने लगा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन में सैनिकों की भारी कमी। सिर्फ युद्ध के लिए ही नहीं, बल्कि यूक्रेन को हथियारों के लिए भी हजारों जवानों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हथियारों को अनलोड करने के लिए सैनिक चाहिए, इसके बाद ट्रांसपोर्ट करने के लिए सैनिकों की जरूरत पड़ती है। हथियार जिस गोदाम में रखे जाते हैं उसकी सुरक्षा में सैनिकों की तैनाती होती है। गोदाम से वॉर जोन में ले जाने के लिए भी सैनिकों की। यूक्रेन ये सब कैसे करेगा, ये बड़ा सवाल है। यूक्रेन के जितने भी सैनिक हैं वो इस वक्त अलग अलग मोर्चे पर तैनात किए जा चुके हैं। हथियारों की देखरेख, उसकी सुरक्षा और परिवहन के लिए रिजर्व बटालियन या मोर्चे से वापस लाए गए सैनिकों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नेटो की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास रिजर्व फोर्स के नाम पर कुछ नहीं बचा है।
यूक्रेन में सैनिकों का रोटेशन भी खत्म कर दिया गया है। सैनिकों को आराम के लिए वक्त नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ रूस की विशाल सेना यूक्रेन में कूच कर चुकी है तो दूसरी तरफ रूस ग्लाइड बम का इस्तेमाल शुरू कर चुका है। रूस अब ऐसे बम का इस्तेमाल कर रहा है जो किसी मिसाइल की तरह हवा में कई किलोमीटर तक बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हैं और सैटेलाइट नेविगेशन की मदद से सटीक प्रहार करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको वो दो सबसे बड़ी चुनौती बताते हैं जिसकी वजह से यूक्रेन की हार को अब तय माना जा रहा है। नेटो की रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन में इस वक्त 5 लाख सैनिकों के साथ अपने मिशन को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन रूस की इस ताकत के मुकाबले के लिए यूक्रेन के पास महज 50,000 सैनिक हैं। ये अंतर बहुत बड़ा है। ग्लाइड बॉम्ब यूक्रेन की दूसरी चुनौती है। रूस अब FAB-3000 बॉम्ब से हमला कर रहा है। 3 टन का ये बम 1230 मीटर के दायरे में संपूर्ण विनाश करता है। इसके धमाके से 1 किलोमीटर के इलाके में तबाही मचती है। इसके अलावा रूस ने अपनी वायुसेना को नया हथियार दिया है। इसका नाम UMTB D-30 बॉम्ब है। ये असल में ग्लाइड बॉम्ब है जो लॉन्च होने के बाद काफी दूरी पर जाकर प्रहार कर सकता है। रूस का नया बम FAB-250 का एक डेवलप्ड वर्जन है। बम जेट इंजन से लैस कर दिया है ताकि ये रफ्तार के साथ प्रहार कर सके। इसमें ईंधन का टैंक भी लगाया गया है जिससे इसकी रेंज बढ़ गई है। अंदेशा है कि 150 किलोमीटर दूर तक प्रहार करने में सक्षम है। बम की कमी तो रूस के पास पहले से ही नहीं थी, लेकिन अब ये बम बेहद घातक हो चुके हैं। ये रूस के 500 किलो वजनी FAB-500 बम का हमला है। यूक्रेन के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा घातक साबित हो रहे हैं रूस के गाइडेड बम। रूस ने FAB-500 को गाइडेड बम में तब्दील कर दिया है जिसकी वजह से सटीक निशाने से भारी तबाही हो रही है। खार्किव में भारी तबाही की सबसे बड़ी वजह है रूसी फैब ग्लाइड बम। इसके अलावा रूस अब एरियल बम को यूएमपी के किट के साथ इस्तेमाल कर रहा है। यूएमपी के किट बम के ग्लाइड रेंज को बढ़ाता है। रूस की ये किट जेडैम किट की तरह काम करती है। इस किट से किसी भी एरियल बम का गाइडेंस सिस्टम मजबूत हो जाता है। बम की रेंज बढ़ने के साथ ये सटीक निशाने से प्रहार करता है। ऐसे बम से अब कोने कोने में प्रहार हो रहा है। कोई इलाका नहीं बचा जहां रूस कहर नहीं बर पा रहा। तबाही और बर्बादी का आंकड़ा हर प्रांत और हर शहर में एक जैसा है। जंग की इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि यूक्रेन की जमीन किस कदर धधक रही है। रूस की आर्मी के हमलों की रफ्तार कितनी तेज हो चुकी है। सबसे भीषण जंग डोनेस्क और खार्किव में चल रही है। रूस ने अब राजधानी कीव को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। डोनेस्क में यूक्रेन की गोलाबारी जारी है तो वहीं सूमी पर रशियन फोर्स का बारूदी प्रहार थम नहीं रहा है। रूस ने दावा किया है कि डोनेस्क में यूक्रेनी फोर्स का हौसला पस्त करने का एक्शन शुरू हो चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध के हर पल पर नजर रख रहे नेटो के मुताबिक यूक्रेन को तत्काल 2 लाख सैनिकों की जरूरत है। यूक्रेन में तुरंत सैनिक भर्ती का बहुत बड़ा अभियान चलाना होगा। सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए महिलाओं की भर्ती भी जरूरी है। अब सवाल ये है कि यूक्रेन में सैनिकों की बहुत बड़ी भर्ती हो भी गई तो ट्रेनिंग में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। नेटो देशों के हथियार चलाने के लिए भी अलग से ट्रेनिंग की जरूरत होगी, लेकिन रूस की सेना कई इलाकों को कैप्चर करते हुए तेजी से कीव की ओर बढ़ रही है। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन के सरेंडर तक कब्जे का अभियान जारी रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर अवदिवका से। अवदिवका मोर्चे पर रूसी टैंक का एक्शन देखने को मिला है। T-72B टैंक से रूस ने किए हैं हमले। यूक्रेन के कई सैन्य वाहन इस हमले में नष्ट हो गए।
रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब पुतिन गठबंधन और नेटो के बीच जंग में शिफ्ट होता जा रहा है। ऐसे में युद्ध का दायरा भी बढ़ रहा है। अब रूस और नेटो समंदर में एक दूसरे के खिलाफ बड़ी तैयारी कर रहे हैं, जिसका दायरा काला सागर से बाल्टिक सागर तक है, जबकि दूसरी तरफ नॉर्थ सी से लेकर अटलांटिक महासागर तक भी रूस ने युद्ध पोत लगा दिए हैं। यानी रूस सीधे तौर पर अमेरिका को काउंटर कर रहा है, जबकि नेटो पलटवार करने के लिए रूस और बेलारूस बॉर्डर से लगे देशों में सैनिक और हाईटेक हथियारों की तैनाती कर रहा है। यानी विध्वंसक प्लान बन चुका है, बस महाविनाश का ट्रिगर दबना बाकी है। जमीन पर भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। इसका दायरा समंदर तक जा पहुंचा है। नेटो ने बाल्टिक सी से लेकर काला सागर तक युद्धाभ्यास शुरू करके रूसी बेस को घेरने का प्लान तैयार किया है। उधर नॉर्वेजियन सी में फिनलैंड के पास युद्धपोत लगाकर नेटो ने अपनी शक्ति दिखाई है, जिसके जवाब में रूस आर्कटिक में युद्धपोत उतार कर वॉर ड्रिल करने वाला है। अब सवाल ये उठ रहा है कि यूक्रेन रूस में जमीनी और हवाई हमले के बाद समंदर में युद्ध का विस्तार क्यों हो रहा है। इसके पीछे की बड़ी वजह है नेटो देशों का यूक्रेन को मदद करना, और इसलिए रूस उन देशों को काउंटर करने के लिए समंदर से हमला कर सकता है। रूस ने बाल्टिक और ब्लैक सी में मजबूत किलेबंदी की है, क्योंकि बाल्टिक सागर में नेटो ने अपनी सेना उतारी है, जिससे रूसी न्यूक्लियर बेस कैलिनिनग्राद की घेराबंदी कर सके। क्योंकि यूक्रेन ने बेलारूस बॉर्डर पर सेना लगा दी है, इसका सीधा मतलब है कि वो बेलारूस में कभी भी हमला कर सकता है। इसके अलावा नेटो ने सेना का विस्तार पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर भी किया है, साथ ही लिथुआनिया और लातविया की सीमा पर सैनिक लगाकर बेलारूस को धमकी दी है कि वो रूस का साथ देना बंद करे। यूक्रेन ने बेलारूस बॉर्डर पर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। दो दिन पहले ही बेलारूस आर्मी के डिप्टी चीफ ने बॉर्डर का दौरा किया था। उस वक्त तक यूक्रेन ने डिप्लॉयमेंट शुरू नहीं की थी, लेकिन 48 घंटों में बड़ी सेना बेलारूस बॉर्डर पर लगा दी है। इस पर बेलारूस की प्रतिक्रिया आई है। यूक्रेन बॉर्डर पर हालात काफी तनावपूर्ण है। हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम किए हैं, इंजीनियरिंग कोर को भी बॉर्डर पर भेज दिया है। इसके अलावा रूस फिनलैंड बॉर्डर पर नेटो ने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है, जिससे रूस तमतमा गया। नेटो ने पोलैंड में एक वर्क्स प्लान डिप्लॉय कर दिया है, जो पोलैंड और यूक्रेन के एयर स्पेस की निगरानी कर रहा है। जबकि इसी बीच फिनलैंड की संसद ने DCA यानी डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है, जिसमें अमेरिका फिनलैंड की 15 मिलिट्री साइट का इस्तेमाल करेगा, वहां अपने घातक हथियार और सैनिकों की तैनाती करेगा। इसके अलावा एयरक्राफ्ट भी तैनात रहेंगे, जो फिनलैंड पर हमला होने की सूरत में तुरंत जवाब दे पाएंगे। ये एक तरीके से सेफ गार्ड की तरह काम करेगा। इसके बाद पुतिन की तरफ से नॉर्डिक देशों को धमकी दी गई है। फिनलैंड और स्वीडन का नेटो की तरफ झुकाव विनाश को बुलावा है। फिनलैंड बॉर्डर पर नेटो का बनाया निर्माण अवैध की श्रेणी में आता है। अगर वहां से हमला हुआ तो हम नेटो के सदस्य देशों पर हमले के लिए स्वतंत्र हैं। मॉस्को की तरफ से सिर्फ कोरी अफवाह नहीं दी गई, बल्कि रूस इस प्लान पर काम भी कर रहा है। इसके लिए नॉर्थ सी में युद्धाभ्यास भी किया जा रहा है। वहां पर सी माइंस बिछा दी गई हैं, ठीक उसी तरह जैसे काला सागर में बिछाई गई थी।
नेटो को शक है कि रूस आर्कटिक सी रूट को उस तरह ब्लॉक करेगा जैसे ब्लैक सी कारोबारी रूट को बंद कर दिया था, यानी यूरोप के उन देशों का कारोबार ठप किया जा सके जो यूक्रेन की मदद में लगे। नेटो को शक है कि रूस नॉर्थ सी में नेटो देशों की गैस पाइपलाइन डेटा केबल को नुकसान पहुंचा सकता है। नेटो के मुताबिक इस काम में रूस 160 छोटे शिप लगा सकता है। रूस कई बड़े विस्फोट भी कर सकता है, इसके लिए बड़ी तैयारी की गई है जहां से वो नेटो देशों पर हमला कर सके। पुतिन का ब्लूप्रिंट ऐसा है जिससे समंदर में बारूदी जंग के आसार बढ़ गए हैं, क्योंकि रूस ने काला सागर में अपने युद्धपोत लगा दिए हैं जिनसे यूक्रेन रोमानिया मोल्दोवा पर हमला कर सकता है। इसके अलावा भूमध्य सागर में युद्धपोत और सबमरीन की तैनाती की है जहां से फ्रांस इटली स्पेन पर हमला किया जा सकता है। इसी तरह नॉर्थ सी में रूसी युद्धपोत तैनात हैं जहां से ब्रिटेन आयरलैंड जर्मनी टारगेट पर हैं, जबकि बाल्टिक सी में तैनाती करके बाल्टिक देश डेनमार्क पोलैंड पर रूस हमला कर सकता है। नॉर्वेजियन सी से नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड रूस के निशाने पर रहेंगे और आर्कटिक महासागर में पड़ने वाले बैरेंट्स और कारा सी में नेटो के वॉरशिप के सामने रूसी युद्धपोत तैनात हैं। रूस ने पहली बार कोरियाई प्रायद्वीप के पीले सागर में युद्धपोत लगाकर अमेरिका को काउंटर किया है, जबकि अब लाल सागर में युद्धपोत भेजकर पुतिन ने ब्रिटेन इजराइल यूएस के युद्धपोत पर हमला करने की तैयारी कर ली है। यानी रूस उन तमाम मोर्चों पर अमेरिका और पश्चिमी देशों को घेर रहा है जहां वो युद्ध में फंसे हैं। इसके लिए रूस का नया गठबंधन सक्रिय है जिसमें चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान शामिल है। यानी नेटो और पुतिन गठबंधन के बीच कई समुद्री मोर्चों पर विनाशक युद्ध की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। एक घटना से दो मुल्कों का बॉर्डर सुलग रहा है। दोनों देशों के लोग एक दूसरे को पीट रहे हैं, घर दुकानों में आग लगा रहे हैं। ये खबर मध्य पूर्व के देश तुर्की से आ रही है जहां सीरियाई शरणार्थियों को जमकर पीटा गया, जिससे भड़के सीरिया के लोगों ने तुर्की के लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी, उनके वाहन जला दिए। पिछले 72 घंटे में हालात काफी तनावपूर्ण हो चुके हैं। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए आखिर किस घटना की वजह से तुर्की और सीरिया में युद्ध जैसा माहौल बन गया है। तुर्की में सीरिया शरणार्थियों को पीटा जा रहा है, उनके दुकानों को तोड़ा जा रहा है, गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, देश छोड़कर जाने के लिए कहा जा रहा है। सेंट्रल तुर्की से शुरू हुई हिंसा तुर्की के दूसरे शहरों तक फैल गई। जब सीरियाई शरणार्थियों पर हमला हुआ तो तुर्की मूल के लोगों पर भी सीरियाई शरणार्थियों ने हमला शुरू कर दिया। पहले ये समझिए आखिर हिंसा क्यों भड़की। तुर्की पुलिस के मुताबिक कायसरी प्रांत के मेलिक गाजी के रहने वाले 26 साल के सीरियाई शरणार्थी पर यौन हिंसा का आरोप लगा। बताया गया कि 7 साल की बच्ची के साथ पब्लिक टॉयलेट में उसने हैवानियत को अंजाम दिया, जिसके बाद इलाके के लोग भड़क गए और सीरियाई शरणार्थी को ढूंढने लगे। इस दौरान सीरियाई शरणार्थियों को पीटने लगे और उनके घर दुकानों में आग लगा दी। हालांकि तुर्की पुलिस ने हिंसा फैलाने वाले 67 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। इसके बाद भी तुर्की के लोग सीरियाई रिफ्यूजी बस्ती में जा घुसे और जमकर मारपीट की। इसके बाद हिंसा बढ़ने लगी। तुर्की सीरिया बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण हो गए। अब सीरिया के लोगों ने तुर्की मूल के लोगों को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। तुर्की से सीरिया जा रहे ट्रक और गाड़ियों पर पत्थर फेंके जाने लगे। इस ट्रक को भी सीरिया बॉर्डर पर रोक लिया गया और इसमें तोड़ फोड़ की गई। इसके अलावा कई गाड़ियों में आग भी लगा दी गई। इस तरह के हालात तुर्की सीरिया बॉर्डर से लगे इलाकों में बने हुए हैं। हालांकि तुर्की प्रशासन ने इस पर काबू करने की बात कही है,
तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने इसमें विपक्षी पार्टियों की साजिश बताया है। उन्होंने कहा है, विपक्षी पार्टियां जो देश का माहौल बिगाड़ रही हैं, नस्लवाद को बढ़ावा दे रही हैं, सीरियाई लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रही हैं, हम नजर बनाए हुए हैं। मध्य तुर्की से फैली हिंसा पर काबू पाया जा रहा है। तुर्की 3 दिन से हिंसा की आग में सुलग रहा है। इस बीच तुर्की के लोग मांग कर रहे हैं कि सीरियाई शरणार्थियों को देश से बाहर किया जाए। एक आंकड़े के मुताबिक तुर्की में करीब 6 लाख सीरियाई शरणार्थी अवैध रूप से रह रहे हैं, जिन्होंने तुर्की में घर दुकान तक बना लिए हैं। तुर्की चुनाव में सीरिया के शरणार्थियों का मुद्दा बड़ा अहम है, क्योंकि इनका अच्छा खासा वोट बैंक है। कई दफा तुर्की और सीरियाई शरणार्थियों के बीच झड़प की खबरें आती हैं। इस दफा मुद्दा संगीन है। 7 साल की बच्ची के साथ हुई यौन हिंसा में सीरियाई शरणार्थी पर आरोप लगने से तुर्की के लोग भड़के हुए हैं। वो हर सीरियाई शरणार्थी को निशाना बना रहे हैं, जिसके बदले में बॉर्डर से गुजरने वाले तुर्की के लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सीरिया के लोग बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हाथरस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे आगे। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देख रहे हैं। We'll be right back.